हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ इसलिए कि लड़के ने इंगेजमेंट के बाद लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया और लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो लड़के और उसके घर वालों पर डाउरी डिमांड और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बन सकता है। इस केस को समझने के लिए आज हम दो सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन करेंगे, सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, दैट इज पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, एंड सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इस केस के फैक्ट्स और इन सेक्शंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आज के हमारे केस के फैक्ट्स की तरफ। सो लेट्स बिगिन। केस के फैक्ट्स जानने से पहले मुझे लगता है कि हमें इन सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन देख लेना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दैट इज पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। इसका डेफिनेशन है, अगर कोई इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूल्हा या दुल्हन मीन्स ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स से या किसी दूसरे रिश्तेदार से या फिर गार्डियन से कोई डाउरी डिमांड करता है, तो इसे कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यहाँ एक स्टेप आगे जाके हम डाउरी का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जिससे इस सेक्शन को हमें और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो सेक्शन 2 डिफाइन करता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 में कि शादी के दिन या उससे पहले या फिर शादी के बाद कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी इसी शादी के ताल्लुक से दी गई हो या देने का वादा किया गया हो, शादी की एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को या शादी की एक पार्टी के पेरेंट या कोई रिश्तेदार की तरफ से शादी की दूसरी पार्टी के पेरेंट या कोई दूसरे रिश्तेदार को दी गई हो या देने का वादा किया गया हो, तो ये डेफिनेशन डाउरी में आती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेहर का जो अमाउंट है वो डाउरी डिमांड में इंक्लूड नहीं होता है, इसके लिए मेहर अमाउंट को डाउरी डिमांड से एक्सक्लूड करके रखा गया। नाउ सेक्शन 306 ऑफ IPC, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मतलब खुदकुशी के लिए किसी को उकसाना या उसमें किसी की मदद करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है और दूसरा इंसान इस कमीशन ऑफ सुसाइड में उसकी मदद करता है या उसे उकसाता है, तो इसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। नाउ बैक टू द फैक्ट्स ऑफ अवर केस। आज के इस केस में लड़की की इंगेजमेंट 14 अगस्त 1994 को एक्स सिटी में लड़के के साथ होती है। लड़का उस वक्त वाई सिटी में पुलिस कांस्टेबल था। इन दोनों की शादी का मेडिएटर लड़की का मामा था, जो वाई सिटी में ही रहता था जहाँ लड़का रहता था। इंगेजमेंट वाले दिन लड़का लड़की के मामा के साथ वाई सिटी से एक्स सिटी आया और इंगेजमेंट के बाद वापस वाई सिटी चला गया। सरकारी गवाहों के मुताबिक इंगेजमेंट में किसी भी तरह की डाउरी डिमांड नहीं की गई थी। कुछ हफ्तों बाद लड़की की माँ शादी की तारीख तय करने वाई सिटी अपने भाई के घर जाती है और वहाँ से 2 और लोगों को लेकर ये चारों लड़के के घर जाते हैं। लड़के वाले इनको देखकर चौंक जाते हैं और अचानक बगैर किसी इंटीमेशन के आने की वजह पूछते हैं। तो इस पर लड़की की माँ कहती है कि हम शादी की तारीख तय करने आए हैं। लड़की की माँ के मुताबिक इसी वक्त लड़के वालों ने 50,000 रुपया कैश, गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग एक्सेट्रा की डिमांड की और कहा कि अगर हमारी ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो इस शादी को कैंसिल समझो। लड़की की माँ अपने शहर वापस आ जाती है। वापसी पर लड़की का बाप इससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तारीख तय हुई शादी की वगैरह। लड़की की माँ लड़की के बाप को सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह से क्या क्या डिमांड लड़के वालों ने किया और किस तरह से डिमांड पूरी ना होने पर शादी कैंसिल करने की धमकी दी एक्सेट्रा। ये सारी बातें लड़की सुन लेती है, ओवरहर्ड कर लेती है
और डिप्रेशन में खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर लेती है। लड़के और इसके घर वालों पर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 और सेक्शन 306 ऑफ IPC के तहत केस रजिस्टर किया जाता है। लड़के के घर वालों में लड़के के माँ बाप के अलावा इसकी एक शादीशुदा बहन और बहन का हस्बैंड भी था। सेशंस कोर्ट ने लड़के और इसके घर वालों को सेक्शन 306 IPC से बरी कर दिया, एक्विट कर दिया और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 1 साल कैद बामुशक्कत और ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई। लड़के और इसके घर वालों ने अपनी सजा के इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट लड़के के एडवोकेट ने आर्ग्यू किया कि ऐसा कोई भी काबिल एतबार सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 4 को अट्रैक्ट करता हो। इस केस में ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है कि लड़के वालों ने एंगेजमेंट के वक्त किसी भी तरह की कोई डिमांड की हो। यहाँ लड़के वालों को लड़की वालों की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता था और जब उन्होंने एंगेजमेंट के वक्त से लेकर अब तक कोई डिमांड नहीं किया तो फिर इतने हफ्तों बाद क्यों करते, और वो भी ये जानते हुए कि लड़की वालों के लिए ये डिमांड पूरी करना नामुमकिन है। यहाँ पर यह भी काबिल जिक्र है कि जब लड़की की माँ और मामा बगैर किसी इंटीमेशन के उनके घर गए तो ये महज इत्तेफाक ही था कि उसके सारे घर वाले घर पर ही मौजूद थे, खास तौर पर लड़के की बहन और उसका हस्बैंड। अगर कुछ देर के लिए फ़र्ज कर लिया जाए कि लड़के के घर वालों ने ही शादी कैंसिल की है तब भी डाउरी डिमांड से इसका कोई ताल्लुक नहीं दिखता। शादी कैंसिल होने की कोई और वजह भी हो सकती है। लड़की ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में 2 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट नंबर 1 के लड़की के बाप ने लड़के वालों की देखभाल नहीं की थी और स्टेटमेंट नंबर 2 के लड़के वालों ने डाउरी डिमांड ₹50,000 कैश एक्सेट्रा का डिमांड किया था। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो वो लड़की का खुद का फैक्चुअल परसेप्शन था, जबकि दूसरा स्टेटमेंट वो था जो उसने अपने माँ बाप की बातों से सुना था, माँ बाप की बातों को ओवरहर्ड किया था। सो होलिस्टिकली अगर हम लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन को कंसिडर करें तो मुमकिन है कि शादी कैंसिल होने की वजह डाउरी डिमांड पूरी होना नहीं बल्कि कोई दूसरी ही वजह है। ये सेक्शन लड़के और इसके घर वालों पर अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लड़की की पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने आर्ग्यू किया कि डाउरी डिमांड साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास ठोस सबूत है। वाई सिटी में जिन 2 लोगों को लड़की के माँ और उसके मामा लड़के के घर ले गए थे उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा है कि लड़के वालों ने डाउरी डिमांड किया था और इस सेशंस कोर्ट के 1 साल कैद बामुशक्कत के ऑर्डर को सही ठहराया। दोनों एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस बात में कोई झिझक महसूस नहीं करते कि कम से कम लड़के के बहन और उसके हस्बैंड को गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया है। जो सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं वो भी लड़के और इसके दूसरे घर वालों को सज़ा देने के लिए काफ़ी नहीं है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि शादी कैंसिल होने का ताल्लुक डाउरी डिमांड से है, कोई और वजह भी शादी कैंसिल होने की हो सकती है। सबूतों की बुनियाद पर 2 व्यूज़ लिए जा सकते हैं। पहला व्यू के लड़के और इसके घर वालों का फेवर और दूसरा व्यू इनके अगेंस्ट। इसलिए लॉ के हिसाब से द बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो लड़के और इसके घर वालों को मिलना चाहिए। हम सेशंस कोर्ट की इस बात से अग्री नहीं करते कि प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित किया कि किस तरह सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अट्रैक्ट करता है। इसलिए सेशंस कोर्ट के इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड करते हुए हम लड़के और उसके घर वालों को इस केस से बरी करते हैं, एक्विट करते हैं। हे दोस्तों, ये ट्रू इंसिडेंट्स मैंने आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से बताया है जो कोर्ट ने बाबूराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दिया था।
इस जजमेंट में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सारे यहाँ डिस्कस करना, कवर करना पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अगर आप इस जजमेंट को खुद पढ़ना चाहते हैं या इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका साइटेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की समरी जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल साबित होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अप टू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।